हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रुपेश पटेल की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिवस है 21 जून। 21 जून यानी विश्व योगा दिवस। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या हमें आज के दिन ही योग करना चाहिए, केवल हमें 21 जून के दिन ही योग करना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमें योग हर रोज़ करना है। योग हमेशा और हर रोज़ करने की चीज़ है। योग ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि कोई बीमारी में करना चाहिए। आजकल एक ऐसा ट्रेंड है कि कोई बीमारी लगती है तो ही व्यक्ति योग करता है। फ्रेंड्स, हमें योग इसलिए करना है कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हमेशा हम स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। दोस्तों, आज के समय में बहुत अच्छी बात यह है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही जागृत हैं, अवेयर कर रहे हैं, और इसलिए आज के समय में बहुत सारे लोग योगा करने लगे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, योग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कोई बीमारी लगती है उस टाइम आप योगा करें। योगा एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में हम और भी चीज़ें हमेशा करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना, काम करना, ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन का, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसी तरह से योग भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही होना चाहिए। चाहे हमें कोई बीमारी लगी है या नहीं लगी है, या तो हमें बीमारी के लिए वेट नहीं करना है, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो भी हमें योग करना चाहिए। फ्रेंड्स, योग सिर्फ शरीर की स्वास्थ्य के लिए नहीं है, योग से हम मानसिक स्वास्थ्य भी हासिल कर सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या मानसिक बीमारी की है। आज के समय में लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया या अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको योग से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, योग को आपके जीवन का हिस्सा बनाइए, हमेशा योग कीजिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।